मेरा। बुद्धि का सौदागर। गुजरात के छोटे से गांव में एक निर्धन लड़का रहता था। इसके पास आजीविका का कोई साधन नहीं था। गांव की गरीबी से तंग आकर उसने शहर जाने की ठान ली। शहर जाकर उसने एक सस्ती सी दुकान किराए पर ली, जिस पर लिखा था, बुद्धि का सौदागर, यहाँ बुद्धि बिकती है। लड़के की दुकान के आसपास कई तरह की दुकानें थीं। सभी दुकानदार लड़के की खिल्ली उड़ाते थे। उनकी परवाह किए बिना वह दिन भर आते जाते ग्राहकों को आवाज लगाता, आओ आओ बुद्धि ले जाओ, एकदम खरी, सस्ती और उपयोगी। बुद्धि के सौदागर की दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं आया। वह दुकान बंद करने की सोच ही रहा था कि एक धनी सेठ का मूर्ख लड़का उधर से निकला। उसने सोचा, पिताजी मुझे निर्बुद्धि कहते हैं, क्यों ना मैं बुद्धि खरीद लूं? एक शेर बुद्धि का कितना पैसा लोगे? मैं बुद्धि तोलकर नहीं, उसकी किस्म के हिसाब से बेचता हूं। मेरे पास तरह तरह की बुद्धि है, आपको कैसी बुद्धि चाहिए? तो ठीक है, एक पैसे में जिस तरह की बुद्धि आए दे दो। सौदागर ने एक पर्ची निकाल कर उसको दे दी। उस पर्ची पर लिखा था, जब दो व्यक्ति आपस में झगड़ रहे हो तो खड़े होकर उन्हें देखना मूर्खता है। सेठ का पुत्र खुशी खुशी घर पहुंचा, अपने पिता को कागज की पर्ची देते हुए बोला, देखिए पिताजी, मैं एक पैसे में अक्ल खरीद कर लाया हूँ। सेठ ने पर्ची पढ़ी और बोला, मूर्ख, एक पैसे में ये क्या लाया है? ये बात तो सभी जानते हैं, तुमने मेरा एक पैसा डुबो दिया। फिर सेठ बाजार गया, उस लड़के को बुरा भला कहते हुए बोला, लोगों को लूटते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरा एक पैसा वापस करो। पहले मेरी सीख वापस करो, मैं तब पैसा वापस करूंगा। कैसी सीख? अगर पैसा वापस चाहिए तो आपको एक कागज पर लिखकर देना होगा कि आपका बेटा कभी भी मेरी सीख का प्रयोग नहीं करेगा। सेठ ने कागज पर हस्ताक्षर किए और अपना पैसा वापस लेकर चला गया। एक दिन उस नगर के राजा की दोनों रानियों की दासियों में झगड़ा हो गया। वहीं सेठ का लड़का भी खड़ा था। फिर क्या था, दोनों दासियों ने उसे अपना गवाह बना लिया। झगड़े की बात रानियों तक पहुंची। दोनों रानियों ने लड़के से अपनी अपनी दासी के पक्ष में गवाही देने के लिए कहा। सेठ और उसके बेटे के होश उड़ गए। वे सहायता के लिए बुद्धि के सौदागर के पास पहुंचे। बोले, हमें किसी तरह बचा लो। लेकिन मैं 500 रुपए लूंगा। ठीक है, ये लो 500 रुपए। देखो, जब गवाही देने के लिए बुलाया जाए तो पागल की तरह व्यवहार करना। बुद्धि के सौदागर ने उपाय बताया। सेठ के बेटे ने वही किया। राजा ने उसे पागल समझकर महल से बाहर निकाल दिया। कुछ दिन के पश्चात बुद्धि के सौदागर की बातें राजा के कानों में पड़ी। राजा ने उसे बुलवाया और पूछा, सुना है तुम बुद्धि बेचते हो, क्या तुम्हारे पास बेचने के लिए और बुद्धि है? जी हुजूर, आपके काम की तो बहुत है, लेकिन 1 लाख रुपए। तुम्हें 1 लाख रुपए ही दिए जाएंगे। सौदागर ने एक पर्ची राजा को दे दी। पर्ची पर कुछ लिखा था। राजा ने पढ़ा, किसी भी कार्य को करने से पहले विचार कर लेना चाहिए। राजा को यह बात बहुत पसंद आई। उसने महल की सभी जगह यह वाक्य लिखवा दी, जिससे वह इस बहुमूल्य बात को कभी ना भूले और ना ही कोई और भूल सके। एक बार राजा के एक मंत्री ने वैद्य के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा और राजा की दवा में विष मिला दिया। राजा ने जैसे ही दवा को पीने की कोशिश की, वैसे ही उसकी नजर पड़ी। कुछ भी करने से पहले खूब सोच लेना चाहिए। राजा ने प्याला नीचे रखा और दवा को देखकर सोच में डूब गया कि पीऊं या नहीं। वैद्य और मंत्री को लगा कि उनका भांडा फूट गया है।
वे दोनों राजा से क्षमा मांगने लगे। महाराज, हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। राजा ने सिपाहियों को बुलवाकर दोनों को कारागार में डलवा दिया। बुद्धि के सौदागर को उन्होंने अपना मंत्री बनाया और इनाम में खूब सारा धन दिया।